पीएनबी बैंक में बंद अकाउंट को दोबारा कैसे खुलवाएं? यदि आपका ये बैंक अकाउंट पीएनबी बैंक में है और आपका अकाउंट हो चुका है फ्रीज, आपने 1-2 साल से लेन देन नहीं की है, ऐसे में आपका अकाउंट हो गया होगा एकदम फ्रीज। दोस्तों यदि आप भी उस अकाउंट को ओपन करवाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इस वीडियो में कोई ऐसी टेक्निक नहीं है जिसमें आपको घर बैठे बैठे आप अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। इसके लिए आपको बैंक जाना होगा और बैंक वाले आपको देंगे एक फार्म, जैसे ये इस टाइप का फार्म देंगे, और इस फार्म को आपको भरना है। यही आप इस वीडियो में देखने वाले हैं। दोस्तों मैं हूं आपका अपना धीरेंद्र सिंह बिष्ट। अभी आप देख रहे हैं टेकनेट में। चैनल पर नए हो तो बैंकिंग अपडेट्स पाने के लिए, पंजाब नेशनल बैंक से जुड़े हुए सभी अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए विस्तार पूर्वक जानते हैं। दोस्तों यदि आपका अकाउंट पंजाब नेशनल बैंक में है और आपका अकाउंट काफ़ी दिन से बंद पड़ा हुआ है, मतलब ये अकाउंट फ्रीज हो चुका है, कहते हैं ना अपने लोकल भाषा में कि अकाउंट बंद हो गया, वो अकाउंट बंद नहीं होता, वो अकाउंट फ्रीज होता है। उस फ्रीज अकाउंट को वापस चालू करने के लिए आज हम पर्चा भरने वाले हैं। तो आपको पंजाब नेशनल बैंक का ये फॉर्म लेना है बैंक जाकर, और उसमें आज की तारीख भर देनी है। तारीख हो सकती है आपकी कुछ और हो, जैसे हम भर रहे हैं आज की 2023 की, आज भर दी हम लोगों ने यहाँ पे। और उसके अलावा आपको आपका शाखा जहाँ पर भी आपके शहर का नाम है, जो आपका लोकल शहर है, आपके लोकल शहर का नाम भरना है, जैसे कि हमारे यहाँ पर। और यहाँ पर खाता संख्या आपकी भरनी है, जो अकाउंट आपका फ्रीज हो चुका है उसका अकाउंट नंबर इसमें भरना है। वो 14-12 अंक से लेकर 14 अंकों तक का हो सकता है। यहाँ पर आपको अकाउंट नंबर भरना है और आपका यहाँ पर नाम भरना है, जैसे कि हमारा नाम है। या आपको यहाँ पर अपना नाम भर देना है, लिखना है श्रीमान जी नीचे दिए गए क्रमांक अनुसार। ये आपका एक क्रमांक होता है, ये फार्म का नंबर होता है। ये फार्म नंबर यहाँ पे नहीं है, एक बार है ना, ये फार्म नंबर आपको दिए जाएंगे वहीं से ही। तो आपको यहाँ पर लिखना है कि 3 नंबर जो लिख रहा है ना, 3 नंबर, कृपया उपरोक्त निष्क्रिय अप्रचलित खाते को पुनः शुरू करने का कष्ट करें। इसका मतलब ये है कि जो मेरा अकाउंट बंद पड़ा हुआ है ना, उसको दोबारा शुरू करने का कष्ट करें। आपको यहाँ पर ऐसे टिक मार देना है। यदि आप डुप्लीकेट पासबुक जारी लेना चाहते हैं, पासबुक नया पासबुक लेना चाहते हैं नई वाली, तो आपको इस पे भी टिक मार देना है। और यदि आप चेकबुक लेना चाहते हैं, चेकबुक, तो यहाँ पे भी टिक मार देना पहले नंबर पे। यदि आपको चेकबुक नहीं चाहिए तो ये पहले को छोड़ दीजिएगा, बाकी 2 और 3 को करना ही है। और इसके अलावा नीचे नीचे आपको आना है, और यहाँ पर 9वें, 10वें, 11वें मोबाइल नंबर, आधार कार्ड आप यहाँ पर अपडेट कर सकते हैं, समझ गए। और इसके अलावा लास्ट लास्ट में आपको आना है। हालांकि हमारे लिए तो 3 ही मुख्य थे, हमने भर दिए हैं। और आपको यहाँ पर अपना नाम पता भरना है, नाम आपका पूरा भरना है, जो भी आपका नाम है, राम सिंह, लखन सिंह, जो भी आपका नाम है पूरा भरना है। और उसके अलावा आपको मोबाइल नंबर यहाँ भरना है, भवदीय यहाँ पर आपको अपनी साइन करने हैं, और हस्ताक्षर भी आपको यहाँ पर करने हैं, समझ गए। ये भर दिए, प्रमाणित किए गए अधिकारी वो अपना मोहर मार देंगे ये आपको। और इसके साथ में आपको अपना पुराने एक पासबुक की फ़ोटो लगेगी साथ में, और हो सकता था आधार कार्ड पैन कार्ड भी ये मांग ले अपडेट के लिए। तो दोस्तों आपने देखा किस प्रकार से हमने इस फार्म को भरा है। इस फार्म में 2-3 जगह टिक मारने, इसका कुछ नहीं करना। इसके साथ में आपको अपने KYC डॉक्यूमेंट दोबारा सबमिट करवाने होंगे, जैसे कि पैन कार्ड, आधार कार्ड और 2 फोटोएं साथ में दोबारा सबमिट करवानी होंगी। साथ में लेकर आपको बैंक में जमा करवा देना है। 24 घंटे 48 घंटे के अंदर आपका अकाउंट वापस ओपन हो जाएगा। यदि आप साथ में चेकबुक और पासबुक दोबारा रिइश्यू करवाना चाहते हैं, तो साथ में हमने डिटेल बनाई, साथ में हमने बताया है आपको किस प्रकार से आपको इस पर टिक करना है, बस इसके अलावा कुछ नहीं करना है। और बैंक आपसे थोड़ा बहुत चार्ज लेगा दोबारा, अगर आप चेकबुक लेते हैं और पासबुक लेते हैं तो 118 रुपये आपसे पासबुक के लिए जाएंगे दोबारा के लिए, और चेकबुक यदि आप पहली बार करवा रहे हैं तो शायद तक 200-250 रुपये आपसे ले लिए जाए। वो चेकबुक के पन्नों के ऊपर डिपेंड करता है आपसे कितना पैसा वो चार्ज करेंगे। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी, और चैनल पर पहली बार हो तो PNB बैंक से जुड़ी हुई अपडेट्स पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें। यदि आपको किसी प्रकार की कोई भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं, आपकी समस्या का हल किया जाएगा।